हेलो फ्रेंड्स, अर्चना वेज किचन में आपका स्वागत है। तो कभी कभी अगर आपका खाना बनाने का मन नहीं करता और फटाफट आप हेल्दी और टेस्टी खाना चाहते हैं तो ये दलिया ज़रूर ट्राई करना। इसमें ढेर सारी वेजिटेबल हैं और इसमें गेहूं है, मतलब दलिया गेहूं से बनता है वो है, तो ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप ये फटाफट बना के खा लेंगे तो आपको दाल चावल रोटी सब्जी पूरी थाली की कमी महसूस नहीं होगी, ये इतना टेस्टी लगता है। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी के करीब दलिया ले लिया, ये थोड़े बड़े दाने वाला दलिया है जिससे कि हमें चावल का फ्लेवर आएगा। आप चाहें तो छोटा वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दलिया को ले लिया, अब हम इसको रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने गैस में पैन चढ़ा दिया, पैन में ये सारा दलिया डाल देंगे। आप चाहें तो एक चम्मच घी डाल के इसको रोस्ट कर सकते हैं या विदाउट घी भी आप इसको अच्छे से भून लीजिए जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो जब दलिया भुनने लगेगी तो इसमें एक अच्छी सी स्मेल आती है, बहुत अच्छी भीनी भीनी सी खुशबू आती है, जो कि इसका मतलब होता है कि दलिया हमारी अच्छे से जो हम भून रहे हैं वो भून रही है, रोस्ट हो रही है। तो इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, 1 से 1.5 मिनट में ये लो फ्लेम में हम भूनेंगे तो अच्छी तरीके से भुन जाती है। तो ये देख सकते हैं दलिया भुनते भुनते इसका कलर चेंज होने लगा है। तो अभी हम इसको 10 से 15 सेकेंड तक और भूनेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज, जब तक कि एक बहुत अच्छी किचन में एकदम महकदार किचन नहीं हो जाता तब तक हम उसको भूनेंगे। तो ये देख सकते हैं ये अच्छी तरीके से भून गया है। तो चलिए इसको हम प्लेट में निकाल के रख देंगे और आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे गैस में मैंने एक कुकर ले लिया, आप कुकर या कढ़ाई कुछ भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 2 चम्मच घी और 1 चम्मच बड़ा भर के मैं यहाँ पे तेल, ये राई का तेल ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो सिर्फ इस दलिया को घी घी में ही बना सकते हैं या आप चाहें तो जो भी कुकिंग ऑयल आप यूज़ करते हैं उसको डाल के आप बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा घी का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है तो दोनों का कॉम्बिनेशन करके बना रही हूँ। अब घी तेल हमारा, जो घी तेल हमने डाला था वो गर्म हो गया, तो इसमें मैंने 1 चम्मच भर के हींग ऐड की है और 1 बड़ा चम्मच, मैंने 2 बार डाला वो छोटा चम्मच है, 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पे जीरा ऐड किया है। थोड़े से कड़ी पत्ते ऐड करेंगे और ये लहसुन को मैंने दरदरा कूट लिया था तो वो ऐड करेंगे जिससे कि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब इन सारी चीज़ों को हम चला देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और इसमें थोड़े से सॉफ्टनेस आ जाए, मतलब हल्का सा कलर चेंज होने लगे और अच्छे से भुन जाए। अब मैं यहाँ पर 2 मिर्ची ऐड कर रही हूँ जिनको मैंने छोटे छोटे पीस में कट कर लिया, 1 टुकड़ा अदरक को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया और यहाँ पे मैंने 1 बड़ा साइज़ का प्याज ले लिया जिसको मैंने लंबे और छोटे टुकड़ों में कट कर लिया। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, आप लंबे लंबे डालेंगे तो जब दलिया खाएंगे तो उसमें क्रंचीपन जो आता है दलिया खाने में वो बहुत अच्छा लगता है। तो इसको हम तब तक चलाते रहेंगे जब तक कि ये प्याज हमारा अच्छी तरीके से सॉफ्ट नहीं हो जाता। इसका कलर नहीं चेंज करना बट हल्का सा थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। अब हम अपने हिसाब से इसमें वेजिटेबल ऐड करेंगे, तो मैं यहाँ पे 1 बड़ा साइज़ का आलू जिसके मैंने बड़े बड़े पीस कट कर लिए वो ऐड किया है, 1 गोभी के पीस कट कर लिए वो ऐड किया है, यहाँ पे कैप्सिकम 1 ऐड किया है और यहाँ पे मैंने फ्रोजन मटर लिए है। आपके पास नॉर्मल मटर है या फ्रोजन है तो कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। और हाँ, आप इन सब्जियों की जगह पे और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, जैसे गाजर हो गया और कॉर्न हो गए जो आते हैं और बीन्स रहता है, तो जो भी आपको वेजिटेबल पसंद है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आप ऐड कर सकते हैं, उतना ज़्यादा ये दलिया टेस्टी लगेगा और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी रहेगा। इसको आप बच्चों को भी खिला सकते हैं, वो बड़े चाव से खाएंगे क्योंकि इसमें हमने ढेर सारी वेजिटेबल डाली है और उनको दिन भर भी भूख नहीं लगेगी। तो अब ये देखते हैं वेजिटेबल सॉफ्ट हो गई है, तो अभी इसमें मैं मसाले ऐड करूँगी, जैसे कि 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जो सब्जी मसाला आता है ना वो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। अगर आपके पास सब्जी मसाला नहीं है तो आप भुना हुआ जीरा भी डाल सकते हैं 1 चम्मच। अब यहाँ पे मैं कलर के लिए 1 चम्मच
लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, आप चाहे तो तीखे के लिए नॉर्मल लाल मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं। और यहाँ पे आधा चम्मच मैंने गरम मसाला ऐड किया है, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और मैं एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डालने वाली हूँ, जो मैगी मसाला आता है ना एकदम ईजी, और ये सबके घरों पर रहता भी है, तो यहाँ पर मैंने एक पूरा पैकेट मैगी मसाला का ऐड किया, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और नमक हम यहाँ पर टेस्ट के हिसाब से ऐड कर देंगे। अब ये सारे मसालों को हम सब्जियों के साथ तक भूनेंगे जब तक कि इनमें एक अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगती है, मतलब ये अच्छी तरीके से भून जाएंगे सब्जियों के साथ तो इसमें तेल अपने आप से सेपरेट होने लगेगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, जब ये अच्छी तरीके से भून जाएंगे मसाले तो जो हमने तेल और घी ऐड किया है आप देख सकते होंगे नीचे तली में ये अच्छे से भून गया। अब हम एक 30 सेकेंड के लिए इसको ढक के रख देंगे ताकि ये अच्छे से भुन जाए। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें नीचे तेल सेपरेट होने लगा है, मतलब ये मसाले हमने जो डाले हैं सब्जियों के साथ वो अच्छी तरीके से भुन गए। तो अभी मैं इसमें ऐड करूँगी एक बड़ा साइज़ का टमाटर, जिसको मैंने बड़े बड़े पीस में कट कर लिया, उसको भी हम अच्छी तरीके से मसालों के साथ चला के पका लेंगे। आप चाहें तो इसको सॉफ्ट करने तक पकाएं, बट ये ऑलरेडी इसमें सीटी लगेगी तो ये अच्छी तरीके से पक जाएंगे। अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ जो हमने भून के दलिया रखी थी वो इसमें ऐड कर लेंगे, और इस स्पैचुला से अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे ताकि मसाले दलिया और वेजिटेबल सारे एक साथ मिक्स हो जाएं, तो कहीं पे सिर्फ दलिया दलिया का फ्लेवर ना रहे, बहुत अच्छी तरीके से ये दलिया हमारी बनके तैयार हो, और इसमें ज़्यादा कोई टाइम भी नहीं लगता। तो अब ये देख सकते हैं ये सारा मिक्स हो गया, तो इसमें हम अपने हिसाब से जैसे आपको गाढ़ा पतला चाहिए उस हिसाब से पानी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक कटोरी भर के पानी ऐड किया, और बाद में फिर से एक कटोरी मैंने पानी ऐड किया, क्योंकि बहुत गाढ़ा दलिया मेरे घर में सबको पसंद नहीं आता है, तो मैं थोड़ा सा इसको पतला ही रखूँगी। आप अपने हिसाब से पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं पानी मैंने ऐड कर दिया।